पर उनको दंड दे कौन? प्रभु के आगे आए, विनती की, हाथ जोड़ के प्रभु को विनती करी। प्रभु ऐसा मन ही मन विनती करने लगे कि प्रभु आपको जो मुझ पर जरा सा भी स्नेह प्रेम हो, जो कुछ भी मैंने जीवन में सत्कर्म किए हो, तो बस मैं एक चीज मांगता हूं, ये जो मैंने अपराध किया, पाप किया है, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। देखिए, गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन अब गलती को स्वीकारना और गलती को सुधारना ये बड़ी चीज है। हम सबसे गलतियां होती हैं, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब वो गलती को सुधारा कैसे जाए? जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। अगर रुलाती है गलती तो राहें भी दिखाती हैं। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। प्रभु के आगे परीक्षित ने बस यही निवेदन कि बस अब ये दंड मुझे कुछ मिले, ये क्षम्य नहीं है। इतने में ही वह ऋषि ने आके खबर दी कि वह ऋषि पुत्र ने सातवें दिन वह तक्षक तुम्हें मारेगा, ये श्राप तुम्हें मिल गया है राजा। और जहां ये श्राप की बात राजा ने सुनी, वह राजा आनंद में आ गए, प्रभु से हर्षी हर्ष मन से विनती करने लगे, प्रभु मेरी विनती आपने स्वीकार की, मैंने मांगा कुछ, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैं सच कहता हूं, आपसे ज्यादा प्रेम मुझे और कोई नहीं करता, आपने मुझे दंड दिया। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन ये ऋषि का श्राप, ये एक बड़ा दंड आपने जो मुझे दिया, बड़ी आपने मेरे पे कृपा की। और अब तो वह परीक्षित राजा अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक किया सौंप कर घर त्याग करके निकल गए। सोचा कि सात दिन मेरे पास हैं, तो अब ये मृत्यु को उत्सव बनाया जाए। जहां मृत्यु के समाचार सुने, परीक्षित राजा आनंद में आ गए। हम तो मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन मृत्यु तो जीवन का सनातन सत्य है। मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। बस अब तो ये मृत्यु कैसे उत्सव बन जाए, एक सच्चा कोई श्रेष्ठ गुरु की प्राप्त हो जाए, और वह गुरु के चरणों में सात दिन जो मुझे मिले हैं, तो वो एक एक दिन मेरा उत्सव बना दे। बस यही लालसा में तीर्थों में आ गए, एक एक तीर्थ में गए, पूछने लगे कि अब मेरा सात दिन मेरे पास हैं, मेरा उद्धार कैसे हो। सभी बड़े बड़े संत कहने लगे, अरे तुमने इतना बड़ा पाप किया है, सात दिन में तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, अरे कोई तो होगा जो मुझे राह दिखाएगा। ऐसी मन में लगन लगी कि कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरण, गुरु के चरण की लगन लगी परीक्षित को, तो कोई तो होगा मेरे लिए कि एक एक दिन को उत्सव बना दे। चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, हाँ चरणन की गुरु चरणन की, हाँ चरणन की गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन चरणन की, मोहे लागे लगन। बड़े बड़े संतों को मिले, एक एक घाट पे गए, ये सात दिन में मैं क्या करूं मुझे बताइए। ऐसी लालसा परीक्षित जी के मन में, एक एक क्षण बीतता जा रहा है, बस श्रेष्ठ कोई गुरु मिल जाए। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, 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 झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की,
मोहे लागे चरण के चरणन की गुरु चरणन चरण की गुरु चरणन की मोहे लागे चरणन की मोहे लागे भवसागर अब सूख गया है 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 फिकर नहीं मोहे तरनन जब गुरु की लगन लगे भव सागर सूख जाता है और जब गुरु की कृपा हो जाए तो भव सागर को पार करने की जरूरत नहीं रहती है भव सागर ही सूख जाता है और जब भव सागर सूख गया तो फिक्र नहीं तरनन की फिर तरने की पार करने की फिक्र नहीं भव सागर अब भवसागर अब सूख गया है फिकर नहीं मोह तरनन की फिकर नहीं मोह तरनन की नीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर नीरा कहे प्रभु गिरिधर मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर उलट भई मोरे नयनन की उलट भई मोरे नयनन की उलट भई मोरे उलट भई मोरे नयनगी मोहे लागे लगन गुरु चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की 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 मोहे लागे लगन ऐसी परीक्षा राजा को लगन लगी बस श्रेष्ठ कोई गुरु मिल जाए बस सातों दिन उनके चरण में निकाल गंगा के तट पे बैठे हुए ऋषियों को संतों को पूछ रहे हैं कि कोई बस ये सात दिन में उद्धार करा दे ऐसा कोई मार्ग बताओ ऐसे कोई गुरु बताओ संतों की सभा भरी हुई थी इतने में ही सुखदेव जी पधारे सुखदेव जी का आगमन हुआ अजान बाहु दिगंबर अवस्था दिशाएं जिसके वस्त्र हैं उनके पीछे पीछे बालक छोटे छोटे बालक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं अरे कोई पागल जा रहा है उनको कंकर पत्थर मारने जा रहे हैं विशाल उरस्थल अजान बाहु सुंदर कमल जैसे विशाल कोमल नेत्र और सुखदेव जी पधारे सुखदेव जी जहां सभा में आए बड़े बड़े पंडितों ने सुखदेव जी के दर्शन किए परीक्षित राजा ने सुखदेव जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही मन में सोचा कि अब तो यही गुरु के द्वारा मेरा उद्धार होगा
बस अब तो इन्हीं के चरण में अपने आप को मैं समर्पित कर दूं, अपनी जात को मैं समर्पित कर दूं। और सुखदेव जी पधारे, साष्टांग दंडवत लगाई और उनके चरण में हाथ जोड़कर दंडवत की ओर विनती करने लगे, हे महाराज, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करिए। कि मेरे पास 7 दिन है, अब बताइए कि 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे हो। पूरी सभा खड़ी हो गई, ऐसे सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब मेरे पास 7 दिन, अब बताइए 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या संभव है? देखिए, जब लालसा लगती है ना दिल में, ताप भाव आता है, तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु सामने से पधारते हैं। श्रेष्ठ गुरु उसको सामने से मिल जाए, कब हृदय में एक श्रेष्ठ भाव, कुछ अच्छे मनोरथ, सद्भावनाएं हो। सुखदेव जी के हृदय में वह सद्भावना के चलते परीक्षित जी, सुखदेव जी सामने से पधारे परीक्षित जी के पास। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे पास 7 दिन है, बहुत है। खटवांग नामक राजा हुए, उन्होंने तो अपना 2 घटिका में अपना उद्धार कर लिया। अरे तेरे पास तो राजन 7 दिन है, बहुत समय है। संतुष्ट हुए राजन, अब बताइए प्रभु कि ये जीव का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न कि जिसका, पहले तो आत्मा जीव का कल्याण किसमें है, और दूसरा जिसकी मृत्यु समीप में। देखिए, ये दोनों प्रश्न हम सबके लिए हैं। हम सबको अपना आत्म कल्याण करना है, और हम सब भी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम सब मृत्यु के समीप हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपके प्रश्न बड़े ही सुंदर हैं, सब लोग को पावन करने वाले हैं, लेकिन आपके यह प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं, कल 3 बजे दूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका। इसी के साथ हम यहां पे ये प्रथम स्कंद को भी विराम दें। कल द्वितीय स्कंद से सप्ताह कथा का प्रारंभ करेंगे, और जितना हो सकेगा सभी स्कंदों का पान हम करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर आज की कथा को यहीं पे विश्राम दें। बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बाला श्रवण में कुंडल जल काता, काता नंद के आनंद नंद लाला, लाला भ्रमर सियलक कस्तूरी तिलक चंद्र सिजलक ललित छवि श्यामा प्यारे की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारे के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक मई मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, तरसे गगन से सुमन रा